दोस्तों वेलकम टू रासुटीज यूट्यूब चैनल। हम आज आपको बताएंगे कुछ जीव कीटों के बारे में जो हम लोगों के तथा हमारे पालतू जानवरों को काट कर या उनका खून चूसकर नुकसान पहुंचाती हैं तथा बहुत ही सारी बीमारियों को भी जन्म देती हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे घरेलू मक्खी के बारे में, तो आपको हम आज बताएंगे कि घरेलू मक्खी से कौन कौन से रोग फैलते हैं। ये मक्खी जो आपको साधारण सी दिख रही है, ये फैलाती है हैजा रोग, आमातिसार रोग, डायरिया भी इसी से फैलता है, गैंग्रीन, सुजाक, कोढ़, आपको कोढ़ भी हो सकता है इसी जीव के वजह से जिसे हम मक्खी कहते हैं। इसीलिए घर में अपने सफाई रखनी चाहिए। इसी मक्खी से टाइफाइड भी होता है और तपेदिक तथा बहुत सारी बीमारियां फैलाने वाली ये अकेली मक्खी ही काफ़ी है। और अगर हम बात करें इनके जनाब के बारे में, तो इनको कौन नहीं पहचानता। आप लोग तो बहुत ही अच्छे से पहचानते होंगे, लगभग सभी लोग इन साहब को बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि मच्छर कौन कौन से रोग फैलाता है। तो आइए हम जानते हैं मच्छर के बारे में। मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, फाइलेरिया होती है जिसमें पैर मोटा हो जाता है। डेंगू भी मच्छर के काटने से ही होता है। डेंगू का बुखार बहुत ही खतरनाक होता है। जो फीलपांव होता है वो भी मच्छर के काटने से होता है। पीत, ज्वर और बहुत सारे रोग मच्छर के काटने से ही होता है जिससे कि हम लोग संक्रमित हो जाते हैं। इसीलिए ये हम लोगों को सोने में भी बहुत परेशान करता है, सोने नहीं देता है। इसी कतार में हम लोग जान लेते हैं पिस्सू के बारे में। ये है पिस्सू। पिस्सू हमें एक प्लेग नाम की महामारी फैलाने का काम करता है। ये पिस्सू देखने में तो बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। और मक्खी से तो हम सब लोग ही परेशान रहते हैं। ये मक्खी जो है ये आम प्रकार की मक्खी नहीं है घरेलू, ये सीसी मक्खी है। ये बहुत ही घातक निद्रा रोग फैलाती है जिससे कि जिसको हो जाता है वो हमेशा बेहोशी का आलम रहता है उस पर और ज़्यादातर सोने में ही अपना वक्त बिताता है। और हम लोग अगर बात करें खटमल के बारे में, ये खटमल है, ये खटमल का चित्र है। अगर खटमल के बारे में बात करें तो ये हम लोगों का खून चूसता है। इसके अलावा ये टाइपस रिलैप्सिंग बीमारी, बुखार तथा कोढ़ फैलाने का काम यही करता है। गौर से देखिए, यही है जो कोढ़ फैलाने का काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे जुए के बारे में। ये है जुए का चित्र। जुआ जो होता है वो लगभग सब ही लोगों ने देखा है, बच्चों के ज़्यादातर रहता है और बहुत से लोगों को भी जुआ पड़ जाता है। तो हम आज बात करेंगे जुआ कौन सी बीमारी को अपने साथ लाता है। जुआ सबसे पहला तो नुकसान ये पहुँचाता है कि ये अपने मुंह से हम लोगों का खून चूस चूस कर अपना पेट भरता है। दूसरी बात, ये टाइफस तथा ट्रेंज नाम का बुखार, ट्रेंज बुखार इसी के वजह से आता है जिसको भी आता है। और ये रिलैप्सिंग बुखार भी इसी के काटने से, इसी के खून चूसने से आता है।